हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों आइए पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बड़ा मजा आने वाला है इसके अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है? फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना, क्लियर है? तो आइए हम लोग इस पर चर्चा शुरू करते हैं। तुम्हारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, पहले पूरा लिख देता हूं, बाद में शॉर्टकट इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहले तो ये कॉन्सेप्ट को समझना है, ये क्या चीज है, उसके बाद में आपको इसका मैथमेटिक्स कराऊंगा। ठीक है ना, क्लियर है? ये जो मैं आपको कराने जा रहा हूं बच्चों, यही जो है आपका केस टू है। केस वन तो आपको करा दिया था मैंने। केस वन में आपने क्या किया था? केस वन में आपने ये आपने क्या कर दिया, कंटेनर लिया था, इसके अंदर एक आपने क्या डाला था, सल्यूट डाला था। बी हमारा क्या होता है बताया था मैंने, फिर से रिमाइंड करा दूं, सल्यूट। और एक आपने क्या डाला था, सॉल्वेंट डाला था। और हमारा जो ए होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। समझ में आ गया? ये दोनों को मिला करके अपन ने क्या कर दिया, एक सोल्यूशन रेडी कर लिया था। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो आपने क्या कर दिया था, सोल्यूशन रेडी कर दिया था, है ना? क्लियर है? यहां पर जो आपने सल्यूट लिया था वो आपने कैसा लिया था, वोलेटाइल लिया था, जो भाप बन जाता है। समझ में आ गया? जो वेपराइज हो जाता है उसको वोलेटाइल कहते हैं। आपने सॉल्वेंट जो लिया था वो भी कैसा लिया था, वोलेटाइल लिया था। समझ में आ गया? दोनों के दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स थे। समझ आया? क्लियर है? ये फिर आपने इसको बंद किया। इसको बंद करने का जो यहाँ पर वेपर्स बनी उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम में जो यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट होता है उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। नहीं पता है बेसिक्स तो पहले जाकर के पुराने वीडियो देखो, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हमारी कहानी अब तक की हुई है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया था। तो हमने क्या किया था, हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट लिया, दोनों के दोनों को वोलेटाइल लिया, और वोलेटाइल लेने के बाद जो यहां पर जो वेपर प्रेशर बना उसको हमने रॉल्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया। रॉल्स लॉ यही तो कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ऑफ इट्स प्योर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय यानी इनटू आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। क्या आपको पहले मैंने बता दिया था रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। अब क्या फर्क हो जाने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर से एक आप एक कंटेनर लेंगे, फिर से आप एक सल्यूट लेंगे, फिर से आप एक सॉल्वेंट लेंगे, आप दोनों को मिलाएंगे, ये सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल होगा, लेकिन आपका जो सल्यूट होगा ना ये बन जाएगा अभी नॉन वोलेटाइल। क्या हो जाएगा ये, नॉन वोलेटाइल। जैसे कोई सॉलिड है, मान लो वहां एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, मिथेनॉल इथेनॉल ले लो, मेथनॉल और इथेनॉल को ऐड कर दो, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स थे। यहां पर तुमने क्या कर दिया, सल्यूट को तुमने क्या कर दिया, सॉलिड लिया, और जो आपका सॉल्वेंट है वो आपने क्या कर दिया, लिक्विड ले लिया जो कि वोलेटाइल है। समझ आ रहा है? क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के इसको उसको वाटर ले लेना और उसको यूरिया या ग्लूकोज लेना, तुम्हारी मर्जी है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। अब अपन क्या करेंगे ना, अपन क्या करेंगे, इन दोनों को मिला करके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके एक सॉल्यूशन रेडी कर लेंगे। जब हम सॉल्यूशन रेडी कर लेंगे तो क्या हमको नजर आने वाला है, उसको आपको अभी देखना है। क्या आपको नजर आने वाला है, यहां पर आपको जो नजर आने वाला है वो ये है कि आपका जो सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला पार्टिकल ए है वो यहां पर है, उसके बाजू में मान लो सॉल्यूट वाला पार्टिकल है, है ना, तो ये हो जाएगा बी, क्योंकि जो सरफेस होगी आपकी, जो सरफेस होगी, सरफेस पे ए टाइप के भी मॉलिक्यूल होंगे, यानी ए के भी मॉलिक्यूल होंगे और बी के भी मॉलिक्यूल होंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपकी जो सरफेस है उस पर ए के भी मॉलिक्यूल होंगे और बी के भी मॉलिक्यूल होंगे, ये आपको क्लियरली समझ लेना है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? क्यों ऐसा होगा? अरे भाई, दोनों को मिक्स किया है ना, तो ए भी अवेलेबल होगा, बी भी अवेलेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ में आता है। अब क्या, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं एक कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ वाटर डालता, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हमने ए से डिनोट किया है, तो यहां पर सरफेस पे सिर्फ क्या होता, ए के मॉलिक्यूल होते। और इसको अगर बंद कर देते तो कुछ टेम्परेचर तो एनर्जी तो थी इसके पास टेम्परेचर की वजह से, तो यहां पर ये वेपर्स बन जाता, और वेपर बनने की वजह से ये जो अपनी सतह पर प्रेशर एग्जर्ट करते उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। बात समझवा रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अब क्या,
यहां पर जो वेपर प्रेशर बन रहा था जब ये सिर्फ प्योर ए था, यानी प्योर आपका सॉल्वेंट था, सिर्फ यानी प्योर लिक्विड था, तब यहां पर जो वेपर प्रेशर बन रहा था मान लो वो 10 था। कितना था? 10 था। समझ में आ गया? सरफेस पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल वोलेटाइल है, वो भाप बनेंगे, उससे प्रेशर बनेगी, उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे, हमने मान लिया वो 10 है, मान लो। अब मैंने क्या कर दिया है, अब मैंने वाटर के साथ में एक सॉलिड क्या कर दिया, सॉल्यूट को ऐड कर दिया, जैसे यूरिया। यूरिया ऐड करने पर अब सरफेस पे तो कुछ ना कुछ यूरिया भी आके बैठ गया, यूरिया के भी मॉलिक्यूल्स बैठ गए। अब मुझे तुम ये बताओ कि यहां पर जो वेपर बनेगी वो वेपर में ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल होंगे या सिर्फ ए के मॉलिक्यूल होंगे? तो आप बोलेंगे सर सिर्फ ए के मॉलिक्यूल होंगे। क्यों? इसीलिए क्योंकि यूरिया सॉलिड है और सॉलिड क्या है? नॉन वोलेटाइल। वो तो भाप बनता ही नहीं है। अगर भाप बनता ही नहीं है तो ये वेपर बनेंगे नहीं, तो बी के वेपर जब बनेंगे नहीं तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर एग्जर्ट होगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये भी अपने को समझ में आता है। अगर बी की वजह से कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा और सरफेस पे सिर्फ ए के मॉलिक्यूल नहीं है, कुछ कुछ जगह बी ने भी ले ली है, इसका ये मतलब हुआ कि अब यहां पर पहले बी के ए के मॉलिक्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवेलेबल थे। अब कितने अवेलेबल है? 1, 2, 3। कुछ से कुछ अपने को समझ में आ रहा है कि ए जो है वेपराइज तो होता है, लेकिन अब सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल कम हो गए हैं, तो कम मॉलिक्यूल है तो वेपराइज होने की टेंडेंसी कम हो गई, यानी कम मॉलिक्यूल है तो कम वेपर बनेंगे, कम वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। यहां तो 10 के 10 मिलकर के क्या कहे थे, 10 का मान लो वेपर प्रेशर बना रहे थे, अब यहां तो है ही 3, 1, 2, 3, तो कितना बनाएंगे? 3 का वेपर प्रेशर बनाएंगे। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम क्या कर देते हैं, किसी वोलेटाइल लिक्विड में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं, तो इसका यह मतलब होगा कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था उसके कंपेरिजन में वेपर प्रेशर यहां पर क्या हो गया? कम हो गया। समझ आया? क्लियर? क्यों? क्योंकि सतह पर बहुत ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो वेपर बनेंगे नहीं, तो वेपर प्रेशर तो ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ आया? क्लियर हो ना? ठीक है ना? तो आई होप मैंने बहुत इजीली इसको समझा दिया है तुमको, कॉन्सेप्ट तो तुमको समझ में आ गया है। अब जो है मैं मुद्दे पे आऊंगा जो आपको कैलकुलेशन समझाना है। आइए कैलकुलेशन समझाता हूं, और जो आपका रॉल्स लॉ है अभी थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि पहले जो रॉल्स लॉ लिया था वो तो दोनों के दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए लिया था। अब क्या करेंगे, यहां पर रॉल्स लॉ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वोलेटाइल नहीं है, वोलेटाइल तो सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। तो एक्सटेंशन ऑफ रॉल्स लॉ पे आएंगे, तो आ जाओ अब इसको थोड़ा सा भी हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो यहां तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि जब क्या कर देंगे, जब हम लोग यहां पर लिख देता हूं मैं, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट कह दो तो प्योर सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर of the solution decreases as compared to, किसके comparison में? As compared to the vapor pressure of pure solvent alone। समझ में आ गया? जो प्योर सॉल्वेंट अकेला था उसके comparison में जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो उसके हिसाब से वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये इसका फंडा है। अब क्या, इसे पहले वाले पे थोड़ा सा चलते हैं। वेपर प्रेशर का जो हमने रॉल्स लॉ देखा था ना, तो रॉल्स लॉ क्या कह रहा था कि वहां पर तो अपन ने दोनों के दोनों क्या किए थे, ए और बी, सॉलिड और सॉल्वेंट, दोनों के दोनों अपन ने क्या कर दिए थे, वोलेटाइल लिए थे। जो वेपर प्रेशर बना था वो ए के वजह से भी बना था और बी के वजह से भी बना था। तो आपका जो टोटल प्रेशर होगा, जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं पहले वो जाकर के देखे, पूरा लिंक बनाते हुए चल रहा हूं मैं। समझ में आ गया? पहले के लेक्चर पहले देखो, डायरेक्टली जम नहीं करना इस पे। तो जो टोटल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी।
ए का वेपर प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर कह दो या पार्शियल प्रेशर कह दो। तो ए का वेपर प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी के वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये पहले वाले केस में जब ए और बी दोनों के दोनों कैसे थे, वोलेटाइल थे, मिथेनॉल इथेनॉल वाला केस। लेकिन अब इस केस में क्या बी का वेपर बन रहा है, आंसर है नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, उसकी भाप बनती ही नहीं है। तो ये वाला प्रेशर, तो ये वाला प्रेशर हमारा पूरी तरीके से जीरो हो गया। बस समझ में, ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो देयरफॉर पीटी इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा पी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, जो टोटल प्रेशर बनेगा वो क्या बनेगा, पीए का बनेगा। पीए मतलब क्या है, पीए मतलब क्या है, अरे ए क्या है, ए तो सॉल्वेंट है, ए तो सॉल्वेंट है, यानी टोटल प्रेशर बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जो टोटल प्रेशर होगा वही क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया। अरे लेकिन पीए का हमको फॉर्मूला तो पता था, क्या फॉर्मूला था बताओ जरा, क्या फॉर्मूला था, हमको तो फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है बताओ जरा, हमको फॉर्मूला पता है कि रोल्स रॉयस ने हमको यही बोला था, किसी भी कंपोनेंट का आपको क्या करना है, किसी भी कंपोनेंट का आपको क्या करना है, अगर पार्शियल प्रेशर लिखना है ना, पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट का अगर लिखना है तो क्या करो, उसका जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन, ए का क्या है, मोल फ्रैक्शन। ए यानी आपका क्या, सॉल्वेंट, उसका मोल फ्रैक्शन। तो यही तो था, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत आसान है। यही यहां पर क्या हो गया, आपका रॉल्स लॉ हो गया। तो रॉल्स लॉ यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की बात करता है। अब क्योंकि कंपोनेंट की बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि दो कंपोनेंट थे, पहले दो कंपोनेंट थे तो दो अलग अलग कंपोनेंट की उसने बात कर ली, यहां पर तो एक ही कंपोनेंट प्रेशर एग्जर्ट करेगा ना, बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अभी रोल्स लॉ को मॉडिफाई करके लिखेंगे। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा कि जो टोटल प्रेशर होगा आपके सोल्यूशन का, है ना, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये क्या होगा, ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया, ये वही लिखा है मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये भी वही चीज है। और ये तो आपको पता ही है क्या है, बताओ जल्दी से क्या चीज है ये, ये आपका बोलो जल्दी से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म या प्योर लिक्विड का, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का आपका मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आई होप मैंने पूरी चीजें क्लियर कर दी हैं आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा रॉल्स लॉ लिखेंगे, आ जाओ। समझ में आ गया, तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, आइए मैं आपको समझाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है हमारा, रॉल्स लॉ हमारा कहता है, आओ उसको समझने की कोशिश करते हैं। रॉल्स लॉ फॉर, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट। समझ में आ गया। अब नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए रॉल्स लॉ क्या है, ये कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट ही वेपराइज हो रहा है, वॉटर ही वेपराइज हो रहा है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबोव द सल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज का प्रोडक्ट, इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। समझ आया, क्लियर हो गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबोव द सॉल्यूशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। देयरफॉर द वेपर प्रेशर पी और पी ए इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपका क्या है, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। और कैसे लिख दूं, वर्ड्स में लिख के दूं, हाँ वर्ड्स में लिख करके देता हूं, ये क्या आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, ये क्या आपका, ये आपका है वेपर प्रेशर
ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया, क्लियर है? तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे आप क्या करेंगे, रॉल्स रॉ लिखेंगे फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। समझ आया, क्लियर है? अभी पूरा डेरिवेशन इसी से आगे जाएगा, इसको पक्के तौर पर आपको याद रखना है। क्लियर हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझा दिया मैंने, इसको याद रखना। तुम्हारी बुक में जो वन लिया है वो बेसिकली क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और जो टू लिया है वो आपका सॉल्यूट है। समझ में आ गया, क्लियर है? मैं ए और बी करके कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही है, एक ही बात है वो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको आपको याद करना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको लिख करके दे दिया। तो दोनों रॉल्स लॉ आपको बता दिए मैंने, किस किस का रॉल्स लॉ बता दिया बताओ। पहला रॉल्स लॉ आपको मैंने बताया, किस चीज के लिए बताया आपको, टू वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए बताया। अब जो मैं आपको रॉल्स लॉ बताया, मैंने बताया वो बेसिकली मैंने किसके लिए बताया आपको, मैंने आपको बताया फॉर अ वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके लिए बताया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है इसके बाद। नाउ हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये हमने देखा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बच्चों बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, वन होगा। एक्स बी आपको पता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जितने भी कंपोनेंट होंगे सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन आता है। तो देयरफॉर मुझे बताओ एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा वन माइनस एक्स बी। समझ आया, क्लियर है? तो इसको एक्स ए की जगह पुट करो यहां पर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर पी ए इज इक्वल्स टू P नॉट A और 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बी हो जाएगा। समझ आ गया? अब यहां पर क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स बी। यहां पर इसको अपन ने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या अपना पी ए। यहां तक समझ में आता है? अब इसके बाद समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस चीज को यहां भेज रहा हूं, इसको यहां भेज रहा हूं। समझ में आ गया? देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P नॉट A एक्स बी इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस पी ए। समझ आया, क्लियर है? अब जरा समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा हुआ है उसको भी जरा समझो। ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। और ये क्या है बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यानी ये क्या है, वो 10 है जो स्टार्ट में बताया था, और ये क्या है, 3 है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, तो बताओ वेपर प्रेशर कितने से कम हुआ, 7 से कम हुआ। तो अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए कि पुराना वाला 10 था और अभी जो 3 हो गया, तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ गई है। समझ आ रहा है, यही तो हो रहा है। पुराना वाला वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में माइनस अभी जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में है उसका वेपर प्रेशर। तो ये जो चीज है ये आपको बता रहा है कि वेपर प्रेशर कितना कम हो गया। तो वेपर प्रेशर कम होने को क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही चीज है। तो here हम लोग बोलेंगे here P not, हाँ P not A minus P A, this is lowering of vapor pressure, ये lowering of vapor pressure है। बात समझ में आती है? therefore LVP, शॉर्ट में लिखूंगा अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका LVP। तो ये आपका LVP जो है वो किसके इक्वल आया, वो आया आपका P not A into XB। P नॉट ए तो कांस्टेंट, अगर हम सिर्फ वाटर लेंगे, एक ही पर्टिकुलर सॉल्वेंट लिया है तो P नॉट ए तो कांस्टेंट रहा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो अगर ये कांस्टेंट है तो therefore LVP is directly proportional to XB। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करो, यानी क्या, लोअरिंग ऑफ दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी NB अपॉन NA प्लस NB, ये तो फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा ना फॉर्मूला। यानी बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ये तो कुछ ना कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल ही आएगा। NB मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी बेसिकली ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? देखो ना यहाँ से भी समझ में आता है कि LVP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वो यही तो बताता है कि कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट के कितने मोल्स है, या मोल्स मतलब कितने पार्टिकल है। अगर ये जो है आपका LVP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन मतलब इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ, वापस बताता हूँ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या बताएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो दिस इंप्लाइज LVP इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपका, LVP क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आगे, क्लियर है? तो ये आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने आपको बता दिया। तो देयरफॉर आप लोग LVP जगह क्या लिख सकते हो, वापस से इस पे आ रहा हूं मैं, यहां से LVP जगह लिख सकते हो P नॉट A इंटू इसकी जगह क्या होगा, NB अपॉन NA प्लस NB। समझ आ रहा है, क्लियर है? याद रखना NA क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये मैंने आपको LVP का फॉर्मूला बता दिया, इसको पक्के तौर पर आप लोग याद कर लेंगे। समझ आया, क्लियर है? आगे जाके और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बताऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्या चेंजेस आएगा वो भी कराऊंगा मैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है? अभी तो LVP डिस्कस किया है, अभी RLVP डिस्कस करना है, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आइए उस पर चर्चा करते हैं। ये हो गया, अब इसको मैं रब कर देता हूं। आओ देखो ध्यान से, जब भी हम रिलेटिव की बात करते हैं ना, रिलेटिवनेस की बात करते हैं, तो हम ज्यादातर वहां पर कंपैरिजन करते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं इसके हिसाब से, रिलेटिव स्पीड, समझ में आ गया, रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, समझ में आ गया, ए की रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है, यानी कंपेयर कर रहे हैं। और कंपैरिजन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, रेशियो लेना। वापस से सुनो, जब भी हम रिलेटिव की बात करेंगे तो यहां पर मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, यानी हम कंपेयर कर रहे होते हैं, इसके हिसाब से क्या, उसके हिसाब से क्या, समझ आ गया। और कंपैरिजन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, रेशियो लेना, ठीक है? चलो भी आ जाओ, क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मैंने, क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, ये मैंने लिखा हुआ है। देयरफॉर ये क्या चीज है बताओ, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। अब ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसको अगर प्योर वाले सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपेरिजन से कंपेयर किया जाए, समझ आ रहा है क्या बोला, इसको नीचे भेजा मैंने, डिविजन आ गया, डिविजन में मतलब रेशियो, रेशियो मतलब क्या, इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो LVP की जगह उसका जो एक्सप्रेशन है वो लिख देता हूं मैं, क्या एक्सप्रेशन है कि P नॉट A माइनस पी ए, ये क्या आपका LVP अपॉन P नॉट A। तो LVP को अगर क्या करेंगे, P नॉट A से कंपेयर करेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देयरफॉर RLVP इज इक्वल्स टू XB, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू XB। ऑल्टरनेटिव फॉर्म अलग अलग किताब में मिलेगा तुमको, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म फॉर रॉल्ट्स लॉ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ किताबों में रॉल्ट्स लॉ को ऐसे भी लिखा जाता है, देखो प्रूफ करके बता दिया तुमको मैंने। समझ आया, क्लियर है? तो अगर तुम क्या कर दोगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, इसको याद कर लेना, P नॉट A माइनस PA, यानी क्या, जो प्योर वाले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है माइनस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, LVP बोलेंगे, याद कर लो उसको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसको अगर P नॉट A से डिवाइड कर दिया तो क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? तो RLVP क्या है, XB के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर RLVP क्या है बताओ, RLVP इज इक्वल टू क्या आया, P नॉट A माइनस पी ए डिवाइड बाय P नॉट A इज इक्वल टू क्या आया, XB, XB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझ आ गया, कर दिया मैंने RLVP का फॉर्मूला डिराइव। समझ आया, क्लियर है? अभी मोलार मास से रिलेट करना उसको, उससे पहले ग्राफ बना करके दे दूं, ठीक है ना, क्लियर हो गया? ग्राफ बाद में बना लेते हैं, पहले डिराइव कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया है?
कोई अगर दिक्कत हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। चलो भाई, वैसे मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। पुराने लेक्चर्स नहीं देखेगा कोई बच्चा और डायरेक्टली इस पे जंप करेगा तो उसको दिक्कत होगी, ठीक है। तो पहले पीछे के लेक्चर्स देखें, मैंने पूरा प्रॉपरली लिंक्ड करवाया है उसको, ठीक है। चलो आ जाओ, जल्दी से इसको डिराइव करते हैं और फिर हम लोग ग्राफ बना लेते हैं और ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई आ जाओ, तो क्या आ गया है, क्या आ गया हमारे पास, आओ इसको समझते हैं अभी। तो हमारे पास जो है अभी RLVP आ चुका है। RLVP क्या है वो मुझे पता लग गया, और मुझे ये भी पता लग गया कि LVP क्या है। मुझे ये भी पता लग गया कि जब मुझे क्या करना है, रॉल्स लॉ यहाँ पर, यानी क्या, जब नॉन वोल्टाइल सॉलिड ऐड करूंगा तो कितना आएगा, रॉल्स लॉ ने उसने बता दिया कि उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, P0A xA होगा, समझ में आ गया, ये भी मैं जानता हूँ, समझे, क्लियर है। तो यहाँ पर तो बहुत आसान है यार, पहला ग्राफ बनाओ, है ना, केस वन में ग्राफ बनाना सिखाया था तुम लोगों को मैंने, वेपर प्रेशर यहाँ, मोल फ्रैक्शन यहाँ, समझ आया, क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा, अब तुम ए की बात कर रहे हो तो XA को यहाँ पर जीरो मानोगे और यहाँ पर XA को क्या मानोगे, वन मानोगे, समझ आया, क्लियर है। फिर वही कहानी, XA को एक बार जीरो पुट करोगे तो PA क्या होगा, जीरो होगा, समझ में आ गया। XA को वन पुट करोगे तो PA क्या हो जाएगा, PA नॉट हो जाएगा। तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो PA इज इक्वल टू क्या होगा, P0A xA, पुराना वाला ग्राफ देखो जा करके, समझ में आ गया, इसको यहाँ पर यहाँ बना लेते, ठीक है। तो XA क्या आया, XA अपना यहाँ पर बनाया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दूसरा वाला ग्राफ क्या करोगे, यहाँ पर वेपर प्रेशर किसका बनाओगे, बी का, यहाँ पर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, यहाँ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब क्या, लेकिन यहाँ पर अचानक से आपको क्लिक होता है कि अरे यहाँ पर तो जो आपका बी है, बी वाला जो आपका कंपोनेंट है, सल्यूट है, उसका तो वेपर प्रेशर जीरो है, तो उसका ग्राफ तो ऐसे ही रहने वाला है ब्लैंक, तो दोनों को मिला दो। जैसे ही दोनों को मिला देंगे तो दोनों को मिलाने पर ये कुछ ऐसे बन जाएगा, समझ आया, क्लियर है। तो यही बन गया, क्यों, वो तो ब्लैंक होगा ना, वो तो बिल्कुल भी क्या था, बिल्कुल भी वोलेटाइल था ही नहीं, तो उसका तो वेपर प्रेशर कुछ होगा ही नहीं, तो चुपचाप इसको मिटा दो और ऐसे बना दो, समझ आ गया। मैंने आपको जो तरीका बताया ग्राफ बनाने का वो इजीएस्ट है, अलग अलग बनाओ, दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा, ये क्या है, यहाँ पर XA इक्वल्स टू वन है और ये आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन है, समझ में आ गया, क्लियर है, इस तरीके से, ठीक। तो ये आपको मैंने समझा दिया, अब इसके बाद आगे की कहानी, आगे क्या है वो, अरे डिराइव करवाना था, देखो मैंने ग्राफ बना दिया, वो जल्दी से डिराइव करवा देता हूँ मैं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास एंड RLVP। तो रिलेशन बिटवीन मोलार मास ऑफ सल्यूट एंड RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ में आ गया। इनमें अपने को रिलेशन लिखना है, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला याद करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, P0A minus PA divided by P0A इज इक्वल टू, बताओ क्या आया, XB आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस हो रहा है तो डेल्टा पी अपॉन P0A, ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, समझ में आ गया, क्लियर है, ये आपको बता दिया था मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा P0A minus PA divided by P0A इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बताओ, XB क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये आपको पहले भी बता दिया था मैंने, ठीक है ना। लेकिन बट ध्यान देना है आपको इस पे भी, जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपको मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक शर्त बताई थी, क्या कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी कि यहां पर आप जो सोल्यूशन कंसिडर करेंगे वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में बिल्कुल शुरुआत में बताया था मैंने, देखो एक तुम्हारी बुक में था नहीं, लेकिन अब देखो काम आ रहा है। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया था मैंने, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ही कम होंगे एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। मतलब सॉल्यूट कौन है, बी, सॉल्वेंट कौन है, ए, तो बट NB इज वेरी वेरी लेस देन NA, सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ही कम है, क्यों, सिंस द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। क्यों डाइल्यूट, अरे भाई शर्त है इसकी कि हमको डाइल्यूट सॉल्यूशन ही लेना है, तभी ये हम सारी स्टडी कर सकते हैं,
समझ में आ गया, इसलिए मैं कहता हूं कोई लेक्चर मिस मत करो, ठीक है। तो सोल्यूशन इज डाइल्यूट, सोल्यूशन डाइल्यूट है, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। अगर ये बहुत ही छोटा है तो किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन, तो इसका मतलब एनबी को नीचे से क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ये एक करोड़ रुपए है, उसमें से ये एक रुपए है, तो एक करोड़ में एक रुपए ऐड करें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से है वो, तो देयरफॉर एनबी कैन बी निगलेक्टेड, समझ में आ गया, निगलेक्टेड एज कंपेयर टू एनए। हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री में निगलेक्ट कोई चीज होगी तो किसी के कंपैरिजन में होगी, समझ में आ गया। तो देयरफॉर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू, ये क्या है बताओ जरा, एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी, एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी में ये क्या है आपका, एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी में एनए तो ऐसे ही रहेगा, ये एनबी को निगलेक्ट कर दोगे तो ये जाएगा एनए। कुछ समझ आ गया, इसीलिए कहा था मैंने कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, वो आपको बता दिया क्या मॉडिफिकेशन है। यहां तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इसको वन दे देना, ठीक है। नाउ अब क्या समझने की कोशिश करो, अब क्या है, आपको एक चीज पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ बी, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होगा, मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ ए, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये है आपकी बुक में W लिया है, वो मास वेट बोला था मैंने ना, एक ही लेगा, ठीक है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी, एन बी की जगह क्या लिखोगे, एम बी अपॉन कैपिटल एम बी, इसके जगह क्या लिखोगे, स्मॉल एम ए अपॉन कैपिटल एम ए, समझ में आ गया। पता है ना, ये मास अपॉन मोलार मास, ये मास अपॉन मोलार मास, कैपिटल एम मोलार मास है, स्मॉल एम गिवन मास होगा, समझ में आ गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए, दिस इज आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिविजन में है ना, इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, क्या होता है, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, है ना। तो एम बी अपॉन एम कैपिटल एम बी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम ए अपॉन स्मॉल एम ए, समझ में आया, क्लियर है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ में आ गया। तो आपकी टेक्स्ट बुक में कहां तक दिया हुआ है, यहीं तक दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो सारी चीजें मैंने आपको डिराइव करवा के दे दी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस चीज को आप लोग क्या करोगे, अभी याद रखोगे, आपकी बुक में जो वन लिया है वो क्या है, ए है, वन ए है और टू क्या है, बी, वन इक्वल्स टू आपकी बुक में ए है, टू इक्वल्स टू बी है, समझ में आ गया। तो वन टू को ऐसे आप रिप्लेस करके ये कर सकते हो, समझ आया, क्लियर है। तो ये आपका मैंने सब कुछ करा दिया इसके न्यूमेरिकल में, अगले सेशन में आपको करा दूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उनको बताएं, कुछ समझा, अच्छे से समझा, तो मोटिवेशन के लिए हमको कमेंट सेक्शन में हमको मोटिवेट करिए, अप्रिशिएट करिए, हमको भी अच्छा लगेगा। कुछ नहीं समझा तो हमको बताइए कि सर ये नहीं समझा, हम उसको और इम्प्रूव करने की और अच्छे से समझाने की इसको कोशिश करेंगे। आप समझ आया, क्लियर है, अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करो, हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये तो ऐसी बात हो गई यार कि धोनी सेंचुरी पर सेंचुरी मार रहा है लेकिन सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, समझ में आ गया यार, दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको बेस्ट देने की, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ उसको, ताकि हम क्या करें, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।